तो आज का जो ब्लॉग है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो अभी से आप लाइक कर देना, और जिन जिन लोग को बॉडी में प्रॉब्लम है कहीं पर भी, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल है, जहाँ में ब्लड कैंसर का भी इलाज हुआ है, तो यहाँ पे ये मैडम बैठे उनको भी ब्लड कैंसर है, 90% तक ठीक हो गई है, रिकवरी आ गई है, लेकिन मेरा बच्चा आज जिंदा है, मतलब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता है। सारी दवाई बन रही है, लेप बन रहा है, मालिश होने के बाद जो स्टीम बाथ का जो मजा है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। पैरालिसिस वाला भी बहुत अच्छा हो जाता है, वो कैंसर है, कैंसर भी पहले स्टेज पे होगा तो ये तुरंत अच्छा होता है। जो मोदी साहब जो था, तो मोदी साहब ने हमको बहुत आगे लेके गया है। जिसको मुंह टेढ़ा हो जाता है तो उसको हम सीधा कर देते हैं हाथ से, उसको बोलना नहीं आता है, जीभ उसकी अंदर चला जाता है, खींच के बाहर लाता है तो वो बोलना चालू हो जाता है। ये अपना कमिश्नर साहब है, ये गांधीनगर से आ रहा है इधर, तो ये इधर आके बैठ गया है, ये दवा के लिए आया है। मेरे पापा यहाँ पे कम से कम 10-15 साल से यहाँ पे आते हैं, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव उसमें किसी को कुछ भी दिक्कत डॉक्टर लोगों से दूर नहीं हो रही हो, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, तो उनको एक बार जरूर हेल्प यहाँ पे हो जाएगी। फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग, मैं आपका होस्ट और दोस्त ढोल पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीपीएस व्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो आज का जो व्लॉग है ये बहुत ही अलग होने वाला है, अब तक के जब जितने भी मैंने व्लॉग बनाए सबसे अलग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये पूरा हेल्थ के रिलेटेड है, और ये भी मतलब आपको बहुत ही काम लगेगा। तो इसलिए मैं आज आया हूँ आहवा डांग आदिवासी आयुर्वेदिक ट्रस्ट में। यहाँ पे बॉडी की सारी मालिश होती है, और जो बॉडी में प्रॉब्लम रहती है नस के रिलेटेड या हड्डी के रिलेटेड, यहाँ पे मालिश करके और लेप लगा के दूर की जाती है। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो अभी से आप लाइक कर देना, और जिन जिन लोग को बॉडी में प्रॉब्लम है कहीं पर भी, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके पास एक नोटबुक है जहाँ पे सारे जो पेशेंट आते हैं उनकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखी होती है। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल है, जहाँ पे ब्लड कैंसर का भी इलाज हुआ है, तो यहाँ पे जो ब्लड कैंसर की यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है पूरी डेट के साथ। वो भाई हमारे साथ है, मैं इनका इंटरव्यू लूँगा, मैं आपको बाद में सुनाता हूँ, पहले अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर किन किन लोगों को ब्लड कैंसर में भी बहुत ज़्यादा 90% तक राहत हुई है। एक एग्जाम्पल आप मेरे सामने ही देख सकते हो, यहाँ पर ये मैडम बैठी है उनको भी ब्लड कैंसर है, तो उनको भी मतलब 90% तक ठीक हो गई है, रिकवरी आ गई है, तो उनसे भी बात करेंगे। तो अभी ये इनका जो इलाज चल रहा है पहले वो कर लेंगे, फिर अपन फ्री होने के बाद वेदराज से बात करेंगे। यहाँ पे मैंने जो बुक में आपको नाम पेशेंट का नाम दिखाया जिसको ब्लड कैंसर था, वो इन्हीं का लड़का था, तो इनसे बात कर दीजिए सर, अपना जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर शेयर करें। जो डॉक्टर लोग न कर सके वो यहाँ पर आने के बाद मुझे मेरे बच्चे में जो दिखाई दिया ना उसमें परिवर्तन हुआ। डॉक्टर लोगों ने बहुत ऐसा कुछ कर दिए थे कि ये ऐसा है वैसा है वो रहेगा नहीं, लेकिन मेरा बच्चा आज जिंदा है, मतलब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता है, उसका उसको कुछ भी अभी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन दवाओं से इनके यहाँ आने के बाद मुझे वो रिजल्ट मिला। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टरों के पास ये गए थे, पर यहाँ पे आने के बाद उनका बच्चा जो है एकदम ठीक हो गया। और एक एग्जांपल मैंने वो मैडम का दिखाया, उनका भी अभी 90% रिकवरी हो गई है ब्लड कैंसर में। ऐसा बहुत सारे पेशेंट है, इनको जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा है, मोदी जी ने भी इनको बहुत सारे पुरस्कार दिए हैं। यहाँ तो भाई बहुत ही मतलब A to Z जो भी आपको शरीर में बीमारी होगी, बॉडी में कोई भी दिक्कत होगी, तो एक बार यहाँ पर जरूर विजिट करिए। अगर आपको फ़र्क नहीं लगता है ना भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा, 99% तो यहाँ पे लोग अच्छे होकर और ठीक होकर ही जाते हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छी से राहत यहाँ पे मिली है। तो अपन वेदराज जो है यहाँ पे उनसे भी बात करेंगे, तो
तो मेरी भी मालिश होगी अभी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पर रहता है और इसकी जो सारी डिटेल है, और मैं आपके वीडियो में आपको दूंगा, तो वीडियो ज़रूर आगे कंटिन्यू देखना। तो बस अभी चलते हैं मालिश के लिए। यहाँ पे वेदराज जी ने मुझे ये मालिश के लिए लिख दिया है, तो अभी हम लोग सीधा जाएंगे मालिश के लिए जो होती है यहाँ पे। आप देखो, तो अभी मेरी यहाँ पे मालिश होगी, सारी दवाई बन रही है, लेप बन रहा है। आप लोगों मालिश हो गई है और अभी मैं जा रहा हूँ स्टीम बाथ लेने। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो अभी यहाँ पे मेरा स्टीम बाथ चल रहा है और वहाँ पे चल रही है मालिश। मालिश होने के बाद जो स्टीम बाथ का जो मजा है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। एक बार जरूर ये करना चाहिए लाइफ में, एक बार यहाँ पे जरूर आना आप लोग। बहुत ही हल्की हो गई है बॉडी और अब मैं राइड और ड्राइव दोनों एकदम आराम से कर सकूंगा, और जो मेरे कंधे में और घुटने में जो पेन हो रहा था उसमें भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो बस बाकी का एक्सपीरियंस जो है मैं डिटेल में आपको बाहर बताऊंगा। अभी मुझे ये स्टीम बात एंजॉय कर लेना। देखो स्टीम निकल रही है, देखो स्टीम निकल रही है, देखो रॉकस्टार में जो म्यूजिक डायरेक्टर की हालत हुई थी ना भाई, वैसे अभी फील हो रहा है मुझे। एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। इमेज पे तेरी मां मार दूंगा तेरे को साले। अच्छा के बाद ये सीधा स्टीम, वो भी अंदर जड़ी बूटी डाली होती है, जैसे मटके में मैंने आपको जैसे दिखाया, वो जड़ी बूटी ही पूरी इसमें फील होता है आपको स्मेल से। भी स्टीम में कुछ मिला है ऐसा, और बस अभी तो अच्छा लग रहा है। तो अभी क्या है, हम लोग मिलने जाएंगे यहाँ पे जो वैद्य है उनसे मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं और देखते हैं कि वो क्या बताते हैं और क्या सजेस्ट करते हैं। डांग आदिवासी आयुर्वेदिक ट्रस्ट में मैं यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे जो वैद्य है गंगाराम भुए सर, वेलकम टू माय चैनल। और मेरे जो सारे व्यूअर्स है उनको आप बताएं कि आप कितने सालों से ये कर रहे हो और आपने कितने लोगों का अब तक इलाज किया है। हाँ जी, यहाँ पे जो है तो ये हमारा तीसरी चौथी पीढ़ी है। मेरा दादाजी करता था, फिर बाद में हमारा पिताजी करते थे, फिर अभी मैं कर रहा हूँ और मेरा बच्चे को भी मैं सिखा रहा हूँ। तो अभी चौथी पीढ़ी हमारी चल रही है। तो यहाँ पे ज़्यादा में ज़्यादा दर्दी जो लकवा पैरालिसिस बोलते हैं, वो जो पैरालिसिस का आता है, घुटन वाला आता है, जो कम्बर वाला भी यहाँ पर बहुत आता है। जो बच्चे लोग जो है छोटे जो कांच के पेटी के अंदर जो रखते हैं उसको चलना नहीं आता है, तो यहाँ पे हम उसको मसाज करते हैं, तो यहाँ पे उसको लेप लगाते हैं, तो लेप से ये बच्चे लोग यहाँ पे चलना चालू हो जाता है। तो ज़्यादा में ज़्यादा ये बच्चे लोग भी बहुत आते हैं अपने पास, और पैरालिसिस वाला भी बहुत अच्छा हो जाता है। और कैंसर है, कैंसर भी मतलब पहले स्टेज पे होगा तो ये तुरंत अच्छा होता है, रिकवरी आ जाते है। और बहुत लोग अपना ज्यादा में ज्यादा महाराष्ट्र से, यहाँ पे 90% लोग महाराष्ट्र से यहाँ पे आते हैं लोग। तो आपको बहुत सारे पुरस्कारों से भी मतलब इनको नवाजा गया। अभी जो नंद अपने जो मोदी साहब जो था, तो मोदी साहब ने यहाँ पे
बहुत मतलब हमको बहुत आगे लेके गया है। और नंदा साहब था हमारा एक कमिश्नर साहब, तो उसने जो पूरा डांग जिला में और 311 गांव है यहाँ पे खेड़े गांव, तो यहाँ पे हमारी जो भगत मंडली है तो उसमें और 163 भगत लोग को यहाँ पे है, तो नंदा साहब ने ऊपर लाया है। जिनको डॉक्टर से पास जो कोई भी मतलब थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं पड़ रहा हो या कोई भी रिकवरी नहीं आ रही हो, तो एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करना। ये पूरा जो पूरा एड्रेस है, इनका फोन नंबर है, लोकेशन है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार जरूर विजिट करना। तो दो सब जो मेरे व्यूवर्स के लिए आप इनवाइट कर दो, क्या क्या आप मतलब जल्दी से जल्दी रिकवरी कर दोगे आप? दो जो पैरालिसिस होता है तो तुरंत मतलब ये 24 घंटा के अंदर जो ये आदमी एक दो दिन के अंदर हो गया, जो कोमा में भी आदमी चला जाता है तो उसको लेके आएगा। तो हमारी जो ऐसी कला है कि मेरी हाथ हाथ की भी कला है, तो जिसको मुंह टेढ़ा हो जाता है तो उसको हम सीधा कर देते हैं हाथ से, और जिसको बोलना नहीं आता है तो मुंह से जो जीभ उसकी अंदर चला जाता है मुंह के अंदर, तो उसको खींच के बाहर लाता है तो वो बोलना चालू हो जाता है। तो ब्रेन हेमरेज भी होता है, तो ऐसे वो जीभ खींचता है तो उसका जीभ बाहर आ जाता है और बोलना भी चालू हो जाता है, और उसको खाना नहीं जाता है तो उससे खाना भी चालू हो जाता है। जो मुंह जो अपने नाक के नली डॉक्टर लोग को डालते हैं तो वो भी हम निकाल देते हैं। यहाँ पे घुटन का दुखावा है, कमर का है, और जो उसका कैल्शियम खत्म होता है घुटन के अंदर और मणका के अंदर कैल्शियम भी खत्म होता है, तो उसके ऊपर हमारा ऐसा इलाज है कि दो दो तीन जड़ी बूटी अलग अलग है, एक आता है गरम और एक आता है कैल्शियम का, और एक आता है वो जो लेप लगाते हैं हम दूसरा, तो उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है, जिसके अंदर कैल्शियम खत्म होता है घुटन के अंदर का, तो कैल्शियम का लेप लगाते हैं, तो कैल्शियम का लेप लगाते हैं तो इसके अंदर और कैल्शियम भी आ जाता है, तो आदमी चलना चालू हो जाता है। लेकिन एक ही बार में नहीं होता है, कम से कम उसको 4 बार 5 बार आना पड़ता है 8-8 दिन के अंदर। मैंने भी यहाँ पे ट्रीटमेंट ली, मतलब जो मसाज हुआ और जो स्टीम हुई ना भाई, मतलब एकदम बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर कुछ भी होता है तो आप तुरंत आ जाओ, कहीं पे दूसरी जगह मत जाओ। अगर आसपास में आप यहाँ पे हो तो जितना जल्दी आप यहाँ पे आओगे, ये जो सारी बीमारी बताई हो, अगर जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे आओगे तो जल्दी से जल्दी रिकवर आप हो पाओगे, जल्दी अच्छा हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, आभार, धन्यवाद। ये मेरे पास भी साहब आके बैठ गया है, ये अपना कमिश्नर साहब है, ये गांधीनगर से आ रहा है इधर। तो कोई जो होटल वाले ने बताया कोई एक खास हमारा साहब जो नंदा साहब थे तो उसका खास मित्र है हमारा, तो ये इधर आके बैठ गया है, ये दवा के लिए आया है साहब। तो साहब भी दो बात बोलेगा, बताएंगे। अच्छा। तो हमारे साथ भी गांधीनगर से कमिश्नर साहब आए हैं, राजपूत साहब यहाँ पे आए हैं। तो सर वेलकम टू माय चैनल, और आपका आप भी अपना थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कि इनके साथ आपका क्या बीमारी था और कैसे ठीक हुआ। नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। पहली बार मैंने यहाँ जॉब की है चीफ ऑफिसर बहुत साल पहले। यस। तो मुझे पता है कि यहाँ के जो परंपरागत वैद्य हैं उनको जड़ी बूटियों का बहुत नॉलेज है, और वो जंगल में मिलती हैं, और उनके अलावा किसी को पता नहीं। हम आएंगे हमको पता नहीं चलेगा, हमको लगा ये क्या है, तो वो परंपरागत पद्धति से इलाज करते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। अच्छा शायद नहीं होगा, अच्छा हो ही जाता है, पर उसमें कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगी। और ये साइंस ही है, लेकिन वो उनका पुराना साइंस है, और आज के अगर हम उसको साइंटिफिक उसमें समझा सकते हैं, समझाना हो तो। लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बाप दादों के सिक्के आए हैं, और इतने डेंस फॉरेस्ट है उनको पता है कि कौन से वनस्पति कौन से रोग के लिए काम आती है, और यही हमारा बेसिक आयुर्वेद का शास्त्र था। तो इसके बारे में मैं जब मैंने यहाँ जॉब के तब से मुझे पता था। आज मैं आया था तो मैंने एक हमारे होटल वाले मित्र हैं, उन्होंने बोला कि
कि आप आए हो तो उनके मिलके जाना, विजिट कर लो एक बार, मिल लेते सर। मिलने आया हूँ और मुझे मतलब कई पेशेंट को तो मिला हूँ मैं, उनको मतलब जिस तरह का उन्होंने रिएक्शन दिया है, रिस्पॉन्स दिया है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट सबको मिला है। यस ओके सर, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है शेयर करना है, और आपकी सेहत के लिए ही ये वीडियो है। अगर किसी को सच में अच्छा नहीं हो रहा हो तो एक बार इनके पास आके आप बता देना, तो ये कम से कम 90% इनके पास रिकवरी हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट है, और बस अगर आप गुजरात से भी हो तो यहाँ पे आ सकते हो, साबुतारा रोड में ही ये बीच में ही आता है। तो बस थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। मालिश और स्टीम लेने के बाद जो पूरा तेल ऑयल जो लगाया होता है ना भाई, निकलता नहीं है नहाने पे। कम से कम 3-4 बार सोप लगा के मैंने रगड़ रगड़ के निकाला है, पता नहीं क्या क्या आयुर्वेदिक तेल होता है उसमें। एकदम गाढ़ा था और बहुत ही रिलैक्स हो गया अभी बॉडी। और यहाँ पे लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए अलग अलग व्यवस्था है, मालिश के लिए और स्टीम के लिए। तो अगर आपकी लाइफ में आपको कोई भी दिक्कत है बॉडी के रिलेटेड, जो डॉक्टर लोगों से दूर नहीं हो रही है, तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आ जाना आप लोग। यहाँ का जो एड्रेस है, शिवारी मार तालुका अहवा जिला डांग, मतलब अगर गुजरात से आप सापुतारा जाते हो तो यहाँ पे बीच में ही आता है, सापुतारा रोड पे ही है। और इसकी प्रॉपर लोकेशन की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हो तो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, शुक्रवार शनिवार और रविवार को ही ये सारी ट्रीटमेंट यहाँ पे होती है, मतलब बाकी के दिन बंद रहता है और ये 3 दिन ही यहाँ पे चालू रहता है। तो अगर आप विजिट करना चाहते हो तो फ्राइडे सैटरडे और संडे के दिन ही यहाँ पे आना। और भाई अगर आपको यहाँ पे मेडिसिन लेके और ये सारी आयुर्वेदिक दवा से अगर कुछ अच्छा हुआ हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में किसी को कुछ भी दिक्कत डॉक्टर लोगों से दूर नहीं हो रही हो तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, तो उनको एक बार ज़रूर हेल्प यहाँ पे हो जाएगी। इसकी जो सारी डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहाँ पे देख लेना। और बस एक बार ज़रूर विजिट करना भाई, रिकमेंडेड है। मेरे पापा यहाँ पे कम से कम 10-15 साल से यहाँ पे आते हैं, तो पापा ने मुझे ये सजेस्ट किया। तो बस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और एक अच्छी सी कमेंट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।